ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लीड एक्टर को शो से निकाले जाना हर किसी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। शहजादा तहमी और प्रतीक्षा हॉर्नमुखी के बाहर होने पर कई तरह की गॉसिप्स चलती रही। अब राजन शाही खुद धीरे धीरे बताते जा रहे हैं कि दोनों एक्टर्स की कौन सी बातें उन्हें खटकी। इतना ही नहीं, अब उन्होंने बताया है कि सेट पर शहजादा ने ऐसा क्या किया जो राजन शाही का गुस्सा उन पर ऐसे भड़का। स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है रातों रात लीड एक्टर्स रिप्लेस कर दिए गए। बताया गया है कि उनके अनप्रोफेशनल रवैये से अजीज आकर राजन शाही ने बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया। अब एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत में राजन शाही ने ये बात मानी है कि उनके निकालने जाने की वजह उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर ही था। सेट पर शहजादा का एटीट्यूड सही नहीं था। राजन ने महाबलेश्वर के एक शूटिंग शेड्यूल के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि शहजादा ने कहा था कि असिस्टेंट बदल दिया जाए। शहजादा शूट के लिए कैमरा के सामने लेट आए। जब शहजादा से पूछा गया तो बोले कि उनको असिस्टेंट ने आकर नहीं बताया था। राजन को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो असिस्टेंट उनके साथ 20 साल से काम कर रहा था। वो कभी अपने काम में लापरवाही नहीं करता है। इस पर शहजादा चिल्लाने लगे और कहा कि वो तभी ही वापस आएंगे जब असिस्टेंट को निकाल दिया जाएगा। इसके बाद राजन को गुस्सा आ गया। राजन ने आगे ये भी बताया कि शहजादा को कई बार समझाया जा चुका था लेकिन उनका बिहेवियर नहीं चेंज हुआ। उनका परफॉर्मेंस भी उतना बढ़िया नहीं था। शहजादा अपने स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को भी याद नहीं रखते थे। बोलते थे कि उनके पास टाइम नहीं है तो उन्हें स्क्रिप्ट नरेट की जाए। प्रतीक्षा के लिए राजन ने कहा कि पहले उसके साथ कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार वो सीरियस सीन में लगातार हंस रही थी, जब मना किया गया तो सेट छोड़कर चली गई। वेल, आपका राजन शाही के किए इस खुलासे पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।